मूवी का नाम है गोरखा वॉरियर। तो पहले इसका जो टेलर आया, हम पहले टेलर देखें। Entertaining the nation. ओ ऐसा 1949 मलायर को दुकान को और जंगल जहाँ पर उग्रवादी है, आतंक मनसाई रहेगा थे आतंकवादी प्रत्येक आतंकवाद विरुद्ध लड़ने गए काम में गोरखा प्लाटून अचानक संपर्क विहीन मयो Sir, I think we should send for more reinforcements. Have you found anything about them? Negative. I'm confident about my boys. They will complete the mission, even if they have to sacrifice their lives. Are you sure, Major? Yes, Colonel. मिलन चैंस है, इसके लेखक हैं मिलन चैंस और गिरिराज भिमरे। ये मूवी एक आर्मी और एक आतंकवादियों के बीच में दिखाई जाती है। नेपाली भाषा में वो बोलते हैं कि इस जंगल में 1949 की बात करते हैं, 1949 की, कि यहाँ पे जंगल में आतंकवाद फैला हुआ है और उसी से अंत होती है। आपस में वो भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और किसी भी तरीके से वो आतंक का सफाया करना चाहते हैं। उसमें दिखाया जाता है गोरखा का एक सिपाही होता है, वो शायद अपनी माँ की और अपनी बहन की फोटो देख रहा होता है और आंसू बहा रहा होता है। उसे तकलीफ होती है क्योंकि वो गोरखा का सिपाही होता है। इसलिए हमें दिखाया गया कि गोरखा जो रेजिमेंट होता है ना नेपाली, उसमें वो कैसे किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से बलिदान देते हैं, क्योंकि वो बम के ऊपर पैर रखते हैं और वो पूरा उड़ जाते हैं। पूरे उनके जो जंगल के आसपास का जो इलाका है वो सारा ध्वस्त हो जाता है। तो इसमें ये टेलर में यही दिखाया गया। टेलर बहुत दमदार था। इसमें दिखाया जाता है गांव वाले भी होते हैं, शायद वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, फिर उनको कुछ ऐसा हो जाता है कि शायद उनको गांव से जाना पड़ता। वो पालकी होती है ना, वो डंडे की बनाते हैं, उसमें वो लाद के उनको ले जा रहे होते हैं और सारे लोग देख रहे होते हैं। तो ये मूवी का टेलर था ना, मतलब गोरखा की एक वॉर हुई थी उसके बारे में दिखाया जाता है और ये सत्य घटना पर आधारित है। जो कलाकार है वो भी सारे नेपाली है। उसमें से कलाकार है रितेश चैम्स, विजय लामा, नूतन रेबिका, कविता एले, सूरज तमु। इसमें जो दिखाया गया वो आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई दिखाई गई, क्योंकि वो पूछते हैं कि मेजर क्या हुआ, तो वो कहते हैं रिजल्ट नेगेटिव आया। इसलिए इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ गोरखा रेजिमेंट वाले लोग ही दिखाए गए और आतंकवाद वाले लोग दिखाई गए। वो कहते हो कि उनको मार दो और वो इधर उनके चाकू घुसेड़ देते हैं, गांव वालों को परेशान करते हैं। ये एक दर्द से भरी कहानी है जो एक सच्ची कहानी है। ये जो टेलर दिखाया गया ये ब्रिटिश आपातकाल मलायन के समय का टेलर है और ये 1949 में ये घटना घटी थी, उसी के आधार पे ये मूवी बनाई गई है। क्योंकि गोरखा जो नेपाली लोग होते हैं, जिनको गोरखा कहा जाता है, सैनिक होते हैं, वो जब फंस गए थे मलायर में तो उस टाइम उनको कैसे निकाला गया था, कितनी लड़ाई हुई थी, कितना झगड़ा हुआ था, ये इसी के बारे में मूवी दिखाई गई है। ये मूवी हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में रिलीज की जाएगी और ये मूवी आपको 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। मूवी बहुत दमदार होगी, जानदार होगी, क्योंकि इसमें 1949 की कहानी दिखाई जाती है, 1949 की कहानी दिखाई जाती है। के लोग होते हैं, गांव के लोग भी दिखाए जाते हैं, कैसे गांव के लोग फंसे होते हैं, कैसे उनकी माँ उनको आशीर्वाद देती है कि जाओ उनका गला काट दो, और वो सच में काट देते हैं। ये मूवी बहुत दमदार होगी और बहुत धमाकेदार होगी। ये एक नेपाली मूवी जरूर है, एक गोरखा सिपाही के ऊपर जरूर है, पर ये मूवी बहुत अच्छा। कैसे गोरखा सैनिक अपने सैनिकों को वहां से बचा के लाते हैं, कैसे आतंकवादियों का सफाया करते हैं, क्योंकि वो जंगल बहुत घना होता है। उसमें प्लेन भी दिखाया जाता है, प्लेन से सिपाहियों को उतारा जाता है, कैसे वो उनको लेके वापस आते हैं, ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया जाएगा। ये मूवी सत्य घटना पर आधारित मूवी है और ये मूवी बहुत दमदार और बहुत जानदार होने वाली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि ये मूवी का ट्रेलर आपको, अगर आप ये वीडियो नेपाल से देख रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ रिएक्शन बाज एलियन को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और इंतजार कीजिए गोरखा वॉरियर मूवी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।